नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत ही लंबे समय के बाद फिर से हम आप लोगों के बीच आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। कुछ माह पहले इतना गर्मी पड़ रही थी कि हम लोग वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे थे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग आपको अपना काम छोड़ चुके हैं या भूल गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों का मकसद है एक पौधा को लगाएँ और उस पौधा एक बड़ा वृक्ष बन जाए, यह हम मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मालिक ने ज़िंदगी दी है तो कुछ अपनों के लिए किया जाए, कब किसे जाना है ये कोई नहीं जानता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोग हमें याद रखें, जब तक हैं अपनों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप पौधा लगाए, क्योंकि कुछ साल पहले ही हम लोग ये अनुभव हो चुका था कि कोरोना काल में कितना पेड़ पौधा ज़रूरी है। ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और उसका उपयोग करने वाले की जनसंख्या ज़्यादा थी। अगर हम उस स्थिति को नहीं समझ पाएँ तो आने वाली भयावह स्थिति को हम कभी नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी एक पौधा लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। एक पौधा अपने ज़िंदगी में लाखों टन ऑक्सीजन देता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं संसार के लिए, इस पर्यावरण के लिए। क्योंकि कितना भी हम लोग विकास कर ले, कितना भी साइंस आगे चला जाए, मगर साइंस प्रकृति आगे फेल हो जाता है। क्योंकि साइंस हमें वो कुछ नहीं दे सकता है जो प्रकृति देता है। तो प्रकृति का संरक्षण करें और उसके महत्व के बारे में जानें, तभी हम लोगों का भविष्य बच सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो आने वाले, निश्चित तौर पर हम लोगों का आने वाला भविष्य एकदम भयावह होगा, बर्बाद। पौधा लगाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। पौधा आप किसी के नाम पर भी लगा सकते हैं, अपने माता पिता, भाई बंधु, अपने प्यार के नाम पर, किसी पालतू जानवर या किसी स्थान के नाम पर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सब अपने मन में बैठा ले तो आने वाली समय में हमारी जो धरती है पेड़ पौधों से एकदम भरी हरी भरी हो जाएगी, जो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मगर आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जितना जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है उस अपेक्षा में हम लोग के पास उतना पौधा नहीं है। सोचिए जिस प्रकार से वातावरण इतना गर्म हो रहा था कि उसका टेम्परेचर लगभग 45 या 50 के आसपास चला गया था। हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना वह हो सकता है अगर ऐसे हम वृक्षारोपण नहीं करें और पेड़ पौधों को निरंतर काटते रहें। तो वो समय दूर नहीं जब वातावरण का जो टेम्परेचर है 60, 65 या 70 भी हो सकता है, जो मानव जाति को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। मानव जाति नहीं, पूरे जीव जंतु या धरातल पर सारे जीव जंतुओं को नष्ट करने का मुख्य कारण होगा। लोगों को लग रहा है कि आज भारत में बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, AC लगा लेंगे तो हम लोग को सुविधा या राहत मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। मगर आप लोगों को पता नहीं, हम लोग हिंदुस्तान में पेड़ों को इतनी कमी हो गई, लगभग 500 करोड़ पेड़ की ज़रूरत है, जो बहुत ही बड़ी संख्या है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि AC लगाने से हम लोगों का सुकून या ज़िंदगी सुखमय नहीं हो सकती है। पेड़ पौधा लगाएंगे तभी हम लोगों को राहत मिलेगा, आने वाले समय में हम लोगों को सुकून मिलेगा। आज आए हैं लगभग 4000 पौधों का रोपण करने के, जो अपने आप में एक चैलेंजिंग वीडियो होगा। यह एक बहुत ही हम लोगों के लिए अनुभवी होगा, जो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। पौधा एक छोटी सी टीम है जो हम लोगों की मदद कर रही है। इस पौधों को रोपण करने से पहले इसमें हम लोग जैविक खाद और थाइमर का उपयोग किए हैं, जो इनके ग्रो के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना, ना कि दिखाना कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पौधारोपण हम लगभग आज से 10 साल पहले कर चुके हैं, बहुत से पौधे लगाए थे, मगर हमारे मित्रों ने कहा कि इसे वीडियो बनाकर लोगों के पास पहुँचाना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हों। आपसे बस आप लोगों से ही आशा करता हूँ कि आप हम लोग का सहयोग करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का मनोबल भी बढ़े और आपका सहयोग मिले।